गुजरात चुनावी लड़ाई बसमासुर और रावण तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी और अपमान का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को रावण की संज्ञा दी थी, तो अब कर्नाटक से कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रपा ने पीएम मोदी को बसमासुर कह दिया। कांग्रेस नेताओं की इस बड़बोलेपन पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। किस प्रकार से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के नेताओं के प्रति कौन से भाषा का प्रयोग करती है, वह उस पार्टी का क्या सोच है, उस पार्टी का संस्कार क्या है, उस पार्टी की मेंटेलिटी किस प्रकार की है, इसको दर्शाता है, उजागर भी करता है। कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है। रह रहे के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर, इट हैज बिकम एन इश्यू ऑफ कॉमन ऑक्रेंस। संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर पलटवार किया, लेकिन आपको हम सुनवाते हैं कि उग्रपा ने क्या कुछ कहा। उग्रपा का वो बयान जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बसमासुर कह दिया। ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಬತಾಯಾ ಅಬ್ ಇಸಿ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಆಗ ಬಬೂಲಾ ಹೈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಲೇಕಿನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖಡ್ಗೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕುಚ್ ಕಹಾ ಥಾ ರಾವಣ್ ಕಿ ಸಂಜ್ಞಾ ದೀ ಥೀ ಉನ್ಕಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಕೋ ಸುನ್ವಾತೆ ಹೈ ಉನ್ಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸುನೇ ಹರ್ ವಕ್ತ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है, क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़ दिया है और गुजरात से सीधा कनेक्ट किया है। अब जनता क्या तय करती है, किसका होता है नफा नुकसान, देखने वाली बात होगी।